है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आंचल मेकओवर। तो आज का ये वीडियो होने वाला है रिव्यू वीडियो। मैं आप लोगों के साथ ओलिविया पेनस्टिक का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं इसका डेमो एंड रिव्यू तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये है ओलिविया पेनस्टिक। सबसे पहले मैं आपको इसका फुल नेम बता देती हूँ। इसका फुल नेम है इंस्टेंट वाटरप्रूफ मेकअप स्टिक एंड इसका एसपीएफ है 12। और मेरा जो शेड है वो है 03, मेरा नेचुरल शेड है। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये आपको मिल जाता है ओनली 150 रुपीज़ का एंड इसमें आपको प्रोडक्ट मिलता है 15 ग्राम और इसमें आपको टोटल 11 सेट्स मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये क्या क्या क्लेम करता है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि वो फर्स्ट क्लेम है वो ये है कि ये आपके स्किन को जो है स्मूथ कवरेज देता है। और इसका सेकेंड क्लेम है कि ये वाटर प्रूफ एंड स्वीट प्रूफ है। और इसका ये भी क्लेम है कि आपके डार्क स्पॉट्स को भी कंसील करता है। दैट मीन्स आप इसे एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है एज यू कैन सी। तो चलो इसे ओपन करके देखते हैं। इसे ओपन करते ही आपको यहाँ पे एक डायल मिल जाता है जिसे आप रोटेट करोगे तो जो प्रोडक्ट है वो बाहर आने लगेगा इस तरह से। अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करके देखूंगी ताकि आपको पता लग पाए इसका टेक्सचर कैसा है, कवरेज कैसा है एंड ये जो क्लेम करता है वो राइट है या फिर नहीं। इस तरह से मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। मुझे ये काफ़ी क्रीमी टाइप का लगा, मतलब इसका टेक्सचर मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टाइप का लगा एंड देखते हैं। फिर इस तरह से मैं इसे अपने नेक पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ। इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी, बट हाँ अगर आप इसे डैप डैप करके ब्लेंड करते हो ना तो ये ब्लेंड नहीं होगा। इसे आपको कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ब्लेंड करना होगा, तभी ये इजीली ब्लेंड होगा। इसे फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो या फिर ब्रश भी यूज़ कर सकते हो और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। देख सकते हो इसकी कवरेज एंड अगर आप चाहो तो आप इस पर दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इससे ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप दोबारा से इसके ऊपर एक बार और लगा सकते हो।
फिर मैं यहाँ पे इसी को एज अ कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। जैसा कि आपने देखा गाइस, इसका टेक्सचर फुल क्रीमी है और लगाने के बाद ये कैकी भी नहीं लग रहा। तो यार, ये बजट का फाउंडेशन है एंड आपको 1150 रुपीज़ में इतना अच्छा कवरेज मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा, मतलब बेस्ट ऑप्शन है ये। और ब्लेंड भी काफ़ी ईजली होता है, ये बिल्कुल हैवी कैकी सा नहीं लगता है लगाने के बाद। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करो। अब मैं फाउंडेशन को कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से फिक्स कर लेती हूँ। अगर आप सिर्फ ऐसे ये लगा लेते हो ना और लूज़ पाउडर से इसे सेट नहीं करते हो, तो फिर आपका जो ये फाउंडेशन है ये बिल्कुल एक घंटे के बाद ही कैकी टाइप का लगने लगेगा। तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर से इसे सेट करना ना भूलें। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो मेक श्योर लाइक करना ना भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।